फलों का राजा कहे जाने वाले आम के शौकीनों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि पैदावार कम होने के चलते बाजार में बिकने वाला आम महंगा हो सकता है। रिपोर्ट। आम के बागों में दो तरह का कीड़ा लगने से पैदावार काफी कम हुई है। प्रदेश में पंचकुला अम्बाला के साथ यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा आम की पैदावार होती है और विभाग की ओर से इन तीनों जिलों के किसानों को ज्यादा सचेत रहने की भी सलाह दी गई है। यानी अब आम के मिठास पर खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि आम के पेड़ पर हमला करने वाले कीड़े पैदा हो गए हैं, जो कि आमों की टहनियां पौधों से रस चूसते रहते हैं और वो पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं, जिससे आम पेड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए आमों के बाग लगाने वाले किसानों को यही सुझाव दिया गया है कि वो समय रहते इसमें कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आप फूलों की टहनियां हो या छोटे छोटे आम है या जो कच्ची पत्तियां हैं उससे रस चूसते रहते हैं और जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं धीरे धीरे और जो आम है वो बीमार गिर जाते हैं। तो ये मेजर जो समस्या है बागों के सघन होने से, बागों के पौधे जैसे आपस में जो मिल गए हैं जिसकी वजह से धूप और जो हवा का आवागमन कम हो गया है, उसकी वजह से ये जो कीट हैं ये ज़्यादा फैल रहे हैं। और इसके लिए हम रोकथाम की बात करें तो मैं सब किसान भाइयों से सुझाव कर दूँगा, इसके लिए एक मेलाथियोन दवाई आती है 500 मिलीलीटर मेलाथियोन 500 लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करें और इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। यमुनानगर की बात की जाए तो यहाँ 6000 हेक्टेयर आम का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य समस्या ये आ रही है कि बाग काफी पुराने हो चुके हैं।